अभी आ जाएंगे, अभी आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस अब देखिए आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोएंगे आपके टीवी पे। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। विपक्षी नेताओं की भविष्यवाणी सही साबित हुई और पीएम मोदी काशी में कोरोना मृतकों की श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए और रोने लगे, लेकिन विपक्षी नेताओं ने इसे पीएम मोदी के इमोशन की बजाय गजब की एक्टिंग बता डाला। पीएम मोदी के रोने के बाद सोशल मीडिया पर मगरमच्छ के आंसू ट्रेंड करने लगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जो 17 अप्रैल को बोला था 21 मई को सच साबित हो गया। देश को एक संवेदनशील नेक दिल इंसान चाहिए, ढोंगी प्रधानमंत्री नहीं जो खुद रैली करके कोरोना फैलाए और बाद में रोने का नाटक करे। वही कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बंगाल चुनाव याद दिलाते हुए कहा, गला तब नहीं रोंदा जाता मोदी जी जब लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे थे, तब तो बाड़े की भीड़ देखकर आपकी बाछे खिल रही थी, दीदी ओ दीदी याद है ना। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने सहराना अंदाज में मोदी के आंसुओं पर कटाक्ष किया और कहा, रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं, अस्क पीने के लिए है कि बहाने के लिए। वही वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पूर्व वाजपेयी और वर्तमान में टीएनसी नेता यशवंत शाह ने कहा, पीएम की दिन रात की नौटंकी देखकर हम थक गए हैं, आज की आवश्यकता मुख्यमंत्रियों के साथ सहयोग करते हुए कोरोना के खिलाफ सख्त कदम उठाने की है, न कि कैमरे के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने की आवश्यकता है। विपक्षी नेताओं ने जिस तरह पीएम मोदी के आंसू का मजाक बनाया, क्या वो सही है या फिर विपक्षी नेताओं का मजाक बनाने वाले पीएम मोदी खुद इन हालात के लिए जिम्मेदार है? इस तरह की वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।